नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि IRCTC अकाउंट कैसे बनाएं और इसके फायदे क्या है। दोस्तों अगर आप भी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो आपके लिए IRCTC अकाउंट बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों IRCTC का मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन है। दोस्तों यह इंडियन रेलवे का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऑनलाइन टिकट अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं और साथ ही कैटरिंग और टूरिज्म से जुड़ी सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों IRCTC में अकाउंट बनाने के लिए आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी और एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जैसे आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड होना जरूरी है। दोस्तों IRCTC अकाउंट बनाने का प्रोसेस चलिए शुरू करते हैं, और इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आपको सही जानकारी मिलती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों IRCTC में अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर से अपना IRCTC एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर हम अपना IRCTC एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर यह देख सकते हैं यह गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है और 3.5 रेटिंग है और यहाँ पर देख सकते हैं इसके यूजर कितने हैं, 10 करोड़ से भी अधिक यूजर हैं। यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन का, फ्लाइट का, बस, होटल, ऑर्डर फूड इन ट्रेन, यहाँ पर बहुत सारे आइकन दिखाई दे रहे हैं। इन सभी का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन वाले आइकन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ पर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर नहीं है, इसमें हम इस वीडियो में हम एक नया अकाउंट बनाकर दिखाएंगे जिससे आप अपना ट्रेन का टिकट कर सकते हैं खुद से अपने मोबाइल से। तो यहाँ पर नया यूजर आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर यूजर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे और यहाँ पर कैप्चा फिल करके सबमिट वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपना सभी डिटेल्स वाले फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपना एक यूजर नेम इंटर कर लेंगे और यूनिक यूजर नेम इंटर करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अपना नाम इंटर कर लेंगे और यहाँ पर एक यूनिक पासवर्ड इंटर कर लेंगे। आपका पासवर्ड एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और डिजिट मिक्स होना चाहिए। पासवर्ड को री इंटर कर लेंगे पासवर्ड इंटर कर लेने के बाद यहां पर अपना ईमेल आईडी और यहां पर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। यहां पर सभी डाटा इंटर कर लेने के बाद यहां पर लास्ट में यहां पर कैप्चा इंटर कर लेंगे। यहाँ पर सभी डिटेल फिल कर लेने के बाद यहाँ पर सबमिट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर योर ईमेल आईडी यानी आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, यहाँ पर इसे ओके कर लेंगे। ओके कर लेने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी पर OTP गया है, यहाँ पर OTP इंटर कर लेंगे। यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आया है जिसे हमने इंटर कर लिया है और आपके ईमेल आईडी में OTP गया है। आप ईमेल आईडी ऐप में जाकर वहाँ से चेक कर लेंगे, वहाँ पर अपने OTP को फिल कर लेंगे। OTP फिलअप करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल विथ OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम हमारा नाम आ चुका है और IRCTC यूजर आईडी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर कंटिन्यू वाले आइकन पर एक बार क्लिक करेंगे। कंटिन्यू वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अपना आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर इंटर कर लेंगे, जैसे आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस, यहाँ पर पिन कोड, अपना सभी यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर फिल कर लेंगे। यहाँ पर हम अपना एड्रेस और नेम यहाँ पर सभी चीज़ें फिल कर लेते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पर बॉक्स को टिक कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कंग्रेचुलेशंस योर प्रोफाइल इज कंप्लीट, यू नाउ क्लिक ऑफ टू यूज IRCTC ई टिकट सर्विस एंड बुक रेल टिकट ऑनलाइन। यहाँ पर हमारा IRCTC अकाउंट बन के कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो यहाँ से हम बैक हो जाते हैं और अपने IRCTC ऐप को ओपन कर लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हम अपना IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर में क्लिक करेंगे और आपने जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया होगा यहाँ पर इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया था यहाँ पर हम पहले इंटर कर लेते हैं। यहाँ पर आपके मोबाइल पर OTP गया है और OTP यहाँ पर फिल कर लेंगे। यहाँ पर आपसे क्रिएट ए पिन, जैसे आप गूगल पे या फ़ोन पे चलाते हैं तो वहाँ पर अपना एक फर्स्ट नेम पिन बनाते हैं, यहाँ पर भी IRCTC एप्लीकेशन में अपना एक पिन बनाना होता है। तो यहाँ पर हम अपना एक पिन इंटर कर लेंगे। यहाँ पर आप बायोमेट्रिक सेट करना चाहते हैं तो आप बायोमेट्रिक भी सेट कर लेंगे या फिर बाद में भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम IRCTC एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ से आप ट्रेन टिकट कर सकते हैं, इस बुक टिकट, माई बुकिंग, PNR इंक्वायरी, यहाँ पर सभी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेन टिकट बुकिंग नहीं करने आता है तो हमने एक वीडियो बना के रखा है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या तो आई बटन में हम अपने वीडियो का लिंक दे देंगे। तो वहाँ से आप देख कर सीख सकते हैं कि ट्रेन टिकट IRCTC एप्लीकेशन से अपने खुद के मोबाइल से कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय एवं सुझाव लिख सकते हैं और आप हमें यह भी बता सकते हैं कि आप किन विषयों पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।